इन अहमदनगर। दोस्तों हमने जल्दी से चावल बनाया खाया और उसके बाद निकल पड़े अहमदनगर के एक मेले के लिए जिसके बारे में हमने सुना है, उसमें फिश एक्वेरियम भी है। तो भैया पार्किंग करी गाड़ी, फिर टिकट लिया। ये है टिकट काउंटर जहाँ 100 रुपये की टिकट है। कुछ इस तरीके से है, टिकट से एंट्री हुई, काइंड ऑफ अ टनल है जहाँ पे बहुत सारी फिशेज का एक्वेरियम है और बहुत सारी फिशेज हैं। तो हमने सारी फिशेज देखी, धीरे धीरे कवर की सारी फिशेज को तैरते हुए देखा। कुछ फिशेज को हमने सोते हुए भी देखा, ठीक है। कुछ फिशेज तो बिल्कुल लेट से सो रही थी, जो आगे आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगी। और बहुत बड़ी बड़ी फिशेज का भी एक टैंक था, तो दो टैंक ऐसे थे जिसमें छोटी बड़ी फिशेज थी और एक टैंक था जिसमें ये जो इतनी बड़ी फिश है, काफ़ी बड़ी फिश है ये, तो ये भी थी। बाकी दो चीज़ों पे इनको ध्यान देना चाहिए था। एक तो इनको नेम्स लगाना था कौन सी फिश है किस फिश टैंक का, और दूसरा जो ग्लासेस हैं वो थोड़े साफ करना था कि अच्छे से फिशेस को हम देख पाते। फिशेस भी देखी, फिशेस देखने के बाद हमें ये छोटी छोटी जो फिशेज होती हैं घर के एक्वेरियम में जो आप रख सकते हैं, नॉर्मल फिशेस, कलरफुल फिशेस, गोल्ड फिश और भी बहुत सारी फिश, और टर्टल भी था, छोटे टर्टल थे ये, बहुत ही छोटे क्यूट टर्टल थे। और फिर ये झींगे टाइप की कोई फिश थी। तो फिशेस के नाम ना होने के कारण मैं आपको बता नहीं पा रहा कि कौन कौन सी फिशेस थी, इसलिए मैंने सारी फिशेस जितनी वहाँ थी अहमदनगर के फिश एक्वेरियम वाले उसमें मैंने डाल। अभी टनल में फंसे जो कि आधी अधूरी फील्ड थी, मतलब पूरी फील्ड नहीं थी टनल, आधी फील्ड थी, और काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर की लाइट थी तो मज़ा नहीं आया इतना। लेकिन कुछ मछलियाँ सो रही थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि देखो ऐसे लेट दिख रही थी, इनके फिन्स और इनके गिल्स से ये सांस ले पा रही थी। फिर थोड़ी बहुत और मछलियाँ भी थी, थोड़ी अजीब थी, थोड़ी अजीब डिज़ाइन की, और फिर कुछ चमकीली थी मछली जो कि ब्लू लाइट में काफ़ी और पर्पल लाइट में काफ़ी अलग दिख रही थी। कुछ बड़ी मछली भी थी। और फिर उसके बाद फिर ये टनल से हम एग्जिट हुए, एग्जिट होकर हम टनल के बाहर से मेले में आ गए। मेले में झूले झूले दिखे हमें बड़े बड़े, व्हील जाइंट व्हील देखा और बोट वाला झूला, और बोट वाला झूला दिखा। बट उसको आने से पहले हम सबसे पहले ये जो शॉप है सारी, दो तीन लाइन शॉप की थी वहाँ पे, एक तो फिर डेकोर की शॉप और दूसरा फिर होम अप्लाइंसेस की एक शॉप थी, उसके बाद फिर लेडीज़ फुटवेयर की शॉप, फिर मसाले की शॉप, फिर अचार की, और फिर बुक्स काइंड ऑफ बुक फेयर था जिसमें किलो के हिसाब से बुक मिलती है, फिर हरमाल वाली एक शॉप थी जिसमें 30 रुपये का सामान था, फिर नमकीन की शॉप और गाड़ियाँ भी खड़ी थी, और कुछ गेम्स की शॉप थी जहाँ पर वो टोकन लेके गेम्स खिला रहे थे। तो इन सब को हम क्रॉस करके, सारी शॉप को क्रॉस करके मेले की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर बहुत लोग, इतने तो लोग नहीं थे बट हाँ ठीक था। तो आप अगर आना चाहें तो आप आ सकते हो, अहमदनगर में ये भी लगा हुआ है सावड़ी से आगे जाके और डी मार्ट से पहले। और यहाँ पे ये जो हम चाइल्ड व्हील है ये घूम रहा था, उनकी टिकट थी कुछ 80 रुपये की, 100 रुपये बच्चों के भी झूले थे, और झूले नॉर्मल थे जो हमें नॉर्मल मेले में मिलेंगे। तो सेफ्टी इतनी ज़्यादा इन बड़े झूलों में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मतलब आपको लगती है कि हाँ होनी चाहिए। बच्चों के झूले थे, कार वाले थे, गाड़ी वाला, और भी बहुत सारे कई प्रकार के झूले थे, मौत का हुआ था। तो ओवरऑल आप अगर अहमदनगर में हैं और आप एक आउटिंग करना चाहते हैं तो इस मेले में आप आ सकते हैं। ब्रेक डांस वाला झूला था, और फिर ये जो ऊपर जाता है गोल गोल झूलते कहीं, तो वो मेला तो ठीक है बस कुछ इम्प्रूवमेंट होता है एज अ बिगिनर प्रोडक्ट, बाकी झूले वगैरह थोड़ा सेफ्टी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है होनी चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।